रौबदार और कड़वा सच है। कर्नल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है। शिक्षा का संचार गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार। गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार। भैया कर्नल का ये कमाल, रे बबुआ कर्नल का ये कमाल। कमाल कर नल का। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चौधरी सतनाम कंचन के माँ बाप को बुलाकर आतंकित करता है और कहता है कि वे अपनी बेटी कंचन को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाने से रोकें। धीरे धीरे कर्नल का प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तेजी पकड़ता है। इसी सिलसिले में झंडा सिंह के द्वारा कर्नल कंचन और सुधा को अपने पास बुलवाता है। एक दिन कर्नल प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को चलाने के लिए गांव की बैठक बुलवाता है, जिससे सतनाम चौधरी बेहद आतंकित हो अपने गुर्गों से मिलकर इस बैठक को विफल करने की मंत्रणा करता है। कर्नल गांव की अशिक्षित महिलाओं को शिक्षित करने के लिए ममता से मदद का वचन लेता है। उधर सतनाम से डरकर कंचन का बाप महताब उसे बड़े बूढ़ों को पढ़ाने से मना करता है, परंतु कंचन की माँ अपने पति का विरोध कर कंचन और लक्ष्मी का साथ देने का वचन देती है। मजबूर सतनाम डाकिये को भी धमकी दे बैठता है। इससे आगे क्या होता है, आइए देखते हैं कमाल कर्नल का के इस भाग में। सभी गांव वासियों को मेरा नमस्कार। वैसे तो हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम एक सा नहीं करते। मसलन हम गांव की तरक्की की तो बात तक करते हैं, लेकिन तरक्की में सहयोग नहीं करते। और इस तरक्की के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको भी हम नहीं समझते। पिछले 5 साल का वाकया मुझे याद है, जब गांव में हैजा फैला था। हम शहर से सरकारी डॉक्टरों को बुलाने के बजाय झाड़ फूंक में लग गए। नतीजा क्या हुआ कि हमारी कुछ बहनें विधवा हो गई और कुछ बच्चे अनाथ, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि चल बसे। इसी अशिक्षा के रहते हमारी बेटियां अत्याचारों का शिकार हुई, और इसी अशिक्षा के रहते हम दहेज के लालची भेड़ियों का सामना नहीं कर सके। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? इसमें हमारा ही कसूर, और वो कसूर कैसे है, क्योंकि हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते। हम अपने अधिकारों के बारे में इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हम अशिक्षित हैं। भाइयों, शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा में जागरूक बनाती है, और बड़ी अच्छी बात यह है कि भारत सरकार इसमें बहुत मदद देती है कि हम सब पढ़ें, अपने बारे में जाने। पर मैं तो एक बात पूछूं परमानंद जी, अगर गांव वालों को अपने अधिकार मिल भी गए तो इससे क्या हमारे खेतों में फसल दुगुनी पैदा होने लग जाएगी है? मैं तो मास्टर हरिदास से ये पूछूं कि इन्होंने अब तक किया क्या है? मैंने इस गांव के हर व्यक्ति हर नौजवान को शिक्षित करने की पूरी कोशिश की है। हो सकता है कि आप लोगों की भी कई मजबूरियां हों, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इसी वजह से हम सारी दुनिया से पिछड़े रहे। और जहां तक फसल और खेतों का सवाल है तो स्थिति और भी बदतर हो सकती है। एक कि हमारा परिवार बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जमीन वहीं के वहीं। और दूसरे कि क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम दूसरे कामों की तरफ नहीं मुड़ पा रहे हैं, इसीलिए हमारी जमीन पर पेट भरने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो मास्टर जी आपका मतलब है कि पढ़ लिख जाने से गांव में ट्यूबवेल लग जाएंगे, बारिश हो जाएगी, वो भी जब चाहो तब। पढ़ने लिखने से ट्यूबवेल लगे ना लगे, बारिश हो ना हो, लेकिन हमारी नई नस्ल आगे सूखा पड़ने से बर्बाद होने से बच जाएगी। और सबसे अहम बात कि हमें अपनी जमीन और अपने शोषण का आभास हो जाएगा, इसके बाद हमें कोई बेघर नहीं कर पाएगा। ये मेरा आप सबसे वायदा है,
इसके बाद गांव छोड़कर भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमने अपने किसानों का शोषण खुद किया है, हमने अपने लोगों को खुद लूटा है, और जो कहना है साफ साफ कहो। देखिए, हम बातों को गलत तरीके से समझ रहे हैं, ये भी अशिक्षा के कारण। दरअसल में मास्टर साहब का इशारा किसी व्यक्ति विशेष की तरफ नहीं है। हाँ, उनका तो दरअसल में मतलब है उस व्यवस्था के खिलाफ जो हमने अपने चारों तरफ खड़ी कर रखी है। क्या आप सबको ये अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां पढ़े लिखे? हाँ, ये बात अलग है कि पढ़ने के बाद वो खेतों ही में काम करें। हमारे नौजवान दुनिया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़े, नई तकनीक और नई योजनाएं उनका फायदा ले। माफ करना कर्नल साहब, अगर इन बातों से इतना ही फायदा होता तो आपने अपने बेटे को झंडू को क्यों नहीं पढ़ाया? वो इसलिए कि वो आपका गोद लिया हुआ बेटा है। मुझे इस बात का यकीन था कि इस बैठक में यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और मैं इसका उत्तर भी आपको जरूर दूंगा, पर थोड़ी सी धीरज रखो। मेरी बात का जवाब दो चौधरी साहब, जब मैं दर्जे 5 में पढ़ा करता तो मेरे ऊपर रजी की फपकियां कौन कसता था? अरे मेरी माँ को किसने भड़काया और क्यों? तुम गांव वालों पे इल्जाम लगा रहे हो। नहीं 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 नहीं, मैं तोहमत नहीं लगा रहा तुम पर, तुम तो सब शरीफ लोग हो। अरे तुम पर थोड़ी तोहमत लगा रहा हूँ, मैं तो बस याद दिला रहा हूँ तुमको कि मेरी माँ और बाप कैसे ईंट के भट्टे पर काम करते थे और अशिक्षित होने के कारण किस तरह शोषण की चक्की में पिसते पिसते उन्होंने दम तोड़ दिया। याद है मुझे वो, आज भी याद है वो। और ये जो कल से जो है इधर वाले ढेर यहाँ लगवा दो, ये जो है ना इधर जो है यहाँ से रास्ता करवा देना बढ़िया, जिसमें गाड़ी निकल जाए अपनी, उसके बाद जो है ना यहाँ भट्टे की जो ईंट है वो सारी इस साइड हो जाएगी, है ना? और क्या गोपिया जी? मालिक, कल मुंशी के पास कुछ नहीं गया? नहीं गया था मालिक। अरे झूठ बोलता है। पत्रकार के पास गया था हिसाब करवाने? नहीं मालिक, मैं तो अपने पैसे लेने गया था मालिक, मेरा पहले का हिसाब किताब निकलता मालिक। उससे हिसाब किताब पूछ रहा है क्या? हिसाब किताब की बात करना इतना बुरा है मालिक? पिछले 20 साल से पेट पाल रहा हूँ, नहीं तो भूखा मर जाते। हमने अपने शरीर सुखा सुखा कर काम किया है, न तपती धूप देखी है, न जमा देने वाली ठंड और न ही बरसात मालिक। हमने बहुत मन लगाकर काम किया है, अब रहम करो मालिक। यही दफन कर दूंगा, नमक हमारा खाते और काम दूसरी जगह। नहीं, नहीं, बस मालिक बस, बहुत मार खा ली आपकी, बहुत गालियां खा ली, अब हम आपका काम नहीं करेंगे, अब हम और कहीं जाके काम करेंगे। चलिए संतोष, जाओ जाओ, भूखा मर जाओगे, आइंदा दोबारा आओगे तो काम पे भी नहीं रखूंगा। मेरी माँ और मेरा बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक बार अशिक्षा फिर एक परिवार को लील गई। अरे भाई, तो अब तो वो भट्टा समाज सेवक, पत्रकार, क्रांतिकारी परमानंद जी की वजह से बंद हो चुका है, तो अब क्या दिक्कत है भाई? अरे तो भाई, तुमने शिक्षित होने की कसम खा के क्या गुल खिला लिया है? बात करे खामा खा के। मैंने शिक्षित होने की कसम उस दिन खाई थी जिस दिन मैंने अपनी माँ और अपनी बाप की चिता जलाई थी। मैं इस तरह के लोगों से लड़ूंगा माँ, ताकि कोई हिसाब किताब जाने बिना किसी गरीब के खेत न हड़प ले, उसे मजदूरी के लिए दरबदर न भटकना पड़े, उसके बालक मेरी तरह अनाथ न हो और अपना हक मांगने के लिए उसे यूं मारे न डाला जाए। मैं पढ़ूंगा माँ, मैं पढ़ूंगा, भले ही मैं अनाथ हूँ। कौन कहता है मेरे बच्चे कि तुम अनाथ हो? हैं? ये देश, धरती, ये सारा समाज सब तुम्हारा है। आप कौन है? मैं फौजी हूँ बेटा, तुम पढ़ना चाहते हो ना? हैं? चलो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आज से तुम मेरे बेटे हुए। आ, आ बेटा, मैं पढ़ाऊंगा तुमको। मुझे बस 15 दिन का टाइम चाहिए, 15 दिन के अंदर मैं अपने बाबा और अपनी माँ के ऊपर
जो कलंक लगा है उसको मिटा के दिखा दूंगा। तो 15 दिन में तू ऐसा कौन सा जादू टोना करके अपने करनाल बाबा का कलंक मिटा देगा है? हम तुझे 15 दिन नहीं 20 दिन देते हैं। क्यों दिलीप दे दे 5 दिन, जा 5 दिन फालतू दिए तेरे को। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सारा गांव जानता है कि परमानंद जी का बेटा राजेश शहर में डॉक्टर है। अगर इन्हें गांव से इतना ही प्रेम है तो इनका लड़का गांव में डॉक्टरी क्यों नहीं करता? अगर ऐसा करता होता तो पिछले बरस मेरी बिटिया ने गलत दवाई के कारण दम तोड़ दिया। ऐसा नहीं होता, आपके पास कोई जवाब है इसका? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं होगा, वरना मैं आप लोगों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। देखिए भाइयों, मैं अपने खेत की 1 बीघा जमीन स्कूल को दान में देता हूँ, वहाँ बच्चे बूढ़े जवान सभी पढ़ेंगे। फिलहाल वहाँ पे एक अच्छा खासा कमरा है। अगर आप सब लोग मेरे साथ में हैं तो सब मिलकर बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते जैसे हमने अपनी जिंदगियां गुजारी हैं, वैसे हमारी बच्चियां भी जिंदगियां गुजारें। अरे बहना, सुनते सुनते तो मेरे कान ही पक गए, जमाना बदल गया है, खाक बदल गया है, अब तो हमें ही कुछ करना होगा। ममता बहन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम सबको बहुत मेहनत और हिम्मत से काम करना होगा। बिल्कुल, हमें भी अपना भला बुरा सोचने का हक मिलना चाहिए। नारी जिसे देवी समझा जाता है, पूजा जाता है, घर के पर्दे के पीछे 4 दीवारी में कैद कर दी जाती हैं, और उनसे पूछे बिना उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें कहीं भी किसी भी खूंटे से बांध दिया जाता है। पर अब ऐसा नहीं होगा, हम अपनी बच्चियों की जिंदगियां खुद संवारेंगे। मैं अपने गांव की सारी औरतों को जमा कर लूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि जिस तरह से हम भगवान की पूजा जरूर करते हैं, वैसे ही पढ़ाई भी जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि हम नौकरी ही करें, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप को अपने सुख दुख का पता भेजने के लिए चिट्ठी पत्री के लिए हमें किसी का मुंह तो न तकना पड़े। हम इस बंधन को जरूर तोड़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये हिम्मत और एकता यूं ही बनी रहेगी। मैं कल से ही यहाँ पढ़ाना शुरू कर दूंगी। बस आप लोग एक काम कीजिए, घर और खेत के काम के बाद कम से कम 1 घंटा यहाँ के लिए निकालिए। हाँ सुधा रानी, हम सब पढ़ने के लिए तैयार हैं। कर्नल अंकल की हवेली के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगी। आप लोग अपने साथ साथ अपनी बच्चियों को भी जरूर लाइए। अरे वो तो बिना पढ़े ही जवान हो गई, अब पढ़ने जाएगी तो लोग ताना मारेंगे, पर हमें तो फिर भी कोशिश करनी है ना। देखिए, हमें कुछ मुश्किलों और विरोधों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु हमें हार नहीं माननी है। अब हमारी परेशानियां तो शुरू हो चुकी है ममता बहन। कल ही सतनाम और चौधरी ने आके हमें धमकाया और कहने लगे कि कंचन और सुधा को पढ़ाई करने ना भेजे, ताकि हमारा गांव अनपढ़ बना रहे और इनकी नकली बही खातों का काम चलता रहे। हमारे गांव के भोले भाले लोगों से अंगूठे लगवाकर वो हमारे हाथ यूं ही काटता रहे। मैं आप सब बहनों के सामने कसम खाकर कहती हूँ कि इस आग को बुझने नहीं दूंगी। जिस तरह से राधा की बेटियों ने पढ़ लिख कर हमारे गांव का सिर ऊंचा किया है, मैं चाहती हूँ गांव की सभी बच्चियाँ ऐसी ही बने। बहनों, हमारी ये सभा अब यही खत्म होती है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कोशिशें कामयाब होंगी। और आप सब मिलके बोलिए जय नारी शक्ति, जय नारी शक्ति। मालूम है ममता जी कि कल झंडा ने वहाँ मीटिंग में क्या कहा? क्या कहा जी? भाई उसने कहा कि मैं 15 दिन में पढ़ के बता दूंगा। ये क्या बात हुई भला? 15 दिन में कोई लिखना पढ़ना सीख सकता है क्या? मुझे तो लगता है हर बार की तरह इस बार भी ये मुंह छुपाकर शहर भाग जाएगा। ना, 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 ना। इस बार इस तरह नहीं होगा। अच्छा ये बात बता कि 15 दिन में तुझे लिखना पढ़ना सिखाएगा कौन? मेरा बाबा। अरे तेरे बाबा क्या दूध में घोल के पिला देंगे तुझे? बस ऐसे ही मान ले। ये क्या कह रहा है जी, अब आप ही बताइए। अब भाई देखो, इसके इस फैसले में मैं किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं बनना चाहता, और रहा पढ़ाई का मामला तो उसमें तो मैं बिल्कुल ही रुकावट नहीं बन सकता हूँ। अब देखो, ये अगर पढ़ना चाहता है मुझसे तो ठीक, और अगर ये खुद पढ़ना चाहता है तो वो भी कर सकता है कि नहीं?
अगर इन्हें गांव से इतना ही प्रेम है तो इनका लड़का गांव में डॉक्टरी क्यों नहीं करता? आपके पास कोई जवाब है इसका? जवाब है इसका? जवाब है इसका? बेटे राजेश, आज मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां से मुझे एक सही और आदर की राह पर तुम ही ले जा सकते हो। बेटे, वैसे तुम्हारे जीवन के निर्णय लेने का हक मुझे तो नहीं है, फिर भी आज मुझे तुम्हें अपना एक निर्णय सुनाना ही पड़ रहा है। बेटे, गांव में कर्नल प्रताप सिंह चौहान की मेहनत और उनकी लगन से शिक्षा और विकास की एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। मैं भी इस नेक और जरूरी काम में उनके साथ जुड़ गया हूं, लेकिन कल गांव के लोगों से मुझे ये ताना सुनना पड़ा कि मैं मौका परस्त हूं और मैंने पहले गांव छोड़ा और अब अपने बेटे को शहर में छोड़कर यहां दूसरों को आदर्श सिखा रहा हूं। आज गांव को सचमुच तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम गांव आओगे? अबे ओ जानवरों के कब्रिस्तान! क्या जानवरों के कब्रिस्तान? ये बात तो दिमाग से काट दे कि मैं गांव छोड़ के जाऊंगा। ये तेरे सोची कैसे? इधर देख, दिखे कसम भगवान की मैं आत्महत्या करूंगा पर गांव छोड़ के नहीं जाने का। ये मेरा बड़ा प्यारा गांव है। अब मैं समझा पढ़ाई के रेगिस्तान कि तेरे पास आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं है। अरे वो तो सही है। अरे गांव में खबर मत फैला देना कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ। बावड़ा, ये तो मैंने मजाक में यूं ही बोल दिया था। बड़ा मैं आत्महत्या करूँ? अरे मैं कोई कायर हूँ? रही पढ़ाई लिखाई की बात, तो जो बोल दिया सो बोल दिया। 15 दिन में मैं पढ़ाई लिखाई पूरी कर लूंगा और पंचायत में दिखाऊंगा कि मैं पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। देख बात यूं है, शहर में जाता हूँ तो कुछ ना कुछ तो आइडिया मुझे आ ही गया है। और रही थोड़े बहुत आइडिया की बात, वो बाबा कर्नल जो है मुझे पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, उसमें सीख लूंगा। तेरी शहर की बात से याद आया मेरे को कि तू इतने दिनों शहर में फरता क्या? अरे पिछली दफा तू पूरे 10 महीने गायब रहा। गांव वाले हैरान थे कि तू शहर में करने क्या गया है? लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जरा मुझे बता तो सही बात क्या है। अरे तू नहीं बताएगा किसी को चलते फिरते अखबार? कसम उस तरह के झंडू, तेरी ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगा। हाँ, अरे चौधरी साहब से भी नहीं। आखिर शहर में जाके तू करता क्या है, है? अरे तेरे तो बिल्कुल रंग ढंगी बदल गए आजकल, है? ये सूट, ये बूट। झंडा सिंह कौन है? झंडा सिंह क्यों भाई, क्या काम था उनसे? निवास जी, तुमसे काम नहीं है, झंडा सिंह को बुलाओ, उसी से काम है। मैं झंडा सिंह को बोलूं? अब मालूम पड़ा कि ये शहर में रह के करता क्या था। या तो उसने कोई बैंक में लूटा है या कोई मोटा हाथ मारा है। हाँ, ये आपके लिए जरूरी अर्जेंट मैसेज है, आपको सुबह एसपी साहब को रिपोर्ट करना है। अच्छा, यहाँ साइन कर दो आप। अब वो बस सिग्नेचर करना तो आता नहीं, मैं तो अंगूठा लगाऊंगा। अंगूठा? हाँ, इन्हें लगा दो अंगूठा। यही हमारे गांव की रीत है बस, और तो सब खत्म हो गई। अगर आपके गांव की यही रीत है तो अंगूठा क्यों पूरा हाथ ही छाप दो? ले, हाथ छाप ले, ले, हाथ छाप ले। तो ये बात है, ये पुलिस वाला झंडा सिंह के हाथ की छाप लेने आया था, जिससे मालूम पड़ सके कि गुनाह किया किसने। कल सुबह एसपी साहब को रिपोर्ट कर देना, नहीं वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जनाब। गड़बड़ हो जाएगी,
अरे झंडू मैं तो कह रहा हूँ कल सुबह जाकर एसपी साहब के सामने खुद ही पेश हो जा हाँ, और जेल चला जा, वरना ये पुलिस सारे गांव के सामने तुझे हथकड़ी लगा कर ले जाएगी। हाँ तू पागल हो गया क्या है? क्यों बड़बड़ कर रहा है तू? दिमाग ही खराब कर रखा है। अरे वो तो कर्नल साहब की वजह से अभी ले लिया तेरे को। हाँ बोल रहा हूँ मैं, वरना तेरे को अभी हथकड़ी लगा के ले जाते हो। ले जाते तो ले जाते यार, मेरी सरदर्दी है, तू क्यों उबाले मार रहा है? अरे झंडू अब तेरे पास रुकना खतरे से खाली नहीं है। अरे सुन तो बिच्चू, इब तेरे बताऊ मैं शहर में क्या करता था? अरे ना बाबा ना, बिना बताए ही सब पता लग गया मुझे। हाँ अरे बावड़े, अब तो मैं वाकई बताऊंगा कि मैं शहर में क्या करता था। अब तुझे क्या, मैं तो पूरे गांव को, और पूरा गांव ही क्यों, आसपास के 40 गांवों को बताऊंगा कि मैं शहर में क्या करता था। तुम्हारे घर पुलिस आई थी? पुलिस तो वो है, ऐसा है कि बीचू कह रहा था कि तुमने शहर के बैंक में डाका डाला है या फिर कोई गलत काम किया है। अनपढ़ है ना, गवार है, उजड़ है, बेवकूफ है, कुछ भी अनाप शनाप बक देता है। सुधा एक बात बताऊं तुम्हें, तुम यकीन करोगी? मैं दिल से बोल रहा हूं, बोलो तुम यकीन करोगी मेरी बात का? तुम एक बहादुर लड़की हो यार, सुनो इधर आओ। तुम चाहो तो इस गांव की तकदीर बदलने के लिए एक अहम भूमिका निभा सकती हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये विश्वास ना टूटे। कम से कम मैं तुम्हें बताकर जाना चाहता था, सिर्फ तुम्हें, ताकि तुम ये ना सोचो कि मैं तुम्हें इस लड़ाई में अकेला छोड़कर भाग गया। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ऐसा सोचूंगी? क्योंकि ये मेरा फर्ज था सुधा। तो क्या हम दोनों के बीच सिर्फ फर्ज ही बाकी है? देखो मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ, शायद ये फर्ज ना हो पर ये क्या हो सकता है, ये एक लगाव हो, पर ये भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ये तुम्हारे और मेरे बीच का प्यार हो। झंडा झंडा ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ अरे सुनो सुनो, अरे सुनो तो, लो तुम यहां बैठे हो, मैं पूरे हॉस्पिटल में तुम्हें ढूंढ आई। बस रूम में मन नहीं लग रहा था तो यहां चला आया। तुम्हें किसने बताया? वो डॉक्टर कपिल मिले थे, उन्होंने ही बताया। क्या बात है, बड़े उदास दिख रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है नुपुर, लेकिन शायद हालात ठीक नहीं। मतलब हॉस्पिटल में किसी से कोई टेंशन तो नहीं हो गई? नहीं। फिर? मुझे गांव जाना होगा, पिताजी की चिट्ठी आई। तो इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है, अच्छा है कुछ दिनों के लिए चैन मिल जाएगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। यह पॉसिबल नहीं है नुपुर। पॉसिबल नहीं है? क्यों, क्या दो चार दिन के लिए मैं गांव नहीं जा सकती? यह दो चार दिन की बात नहीं है नुपुर, मुझे शायद हमेशा के लिए गांव जाना होगा। हमेशा के लिए क्यों? हाँ नुपुर, जब तक गांव को मेरी जरूरत है, पिताजी चाहते हैं मैं वहीं काम करूं। नुपुर वैसे मेरा मन भी यही चाहता है, जहां मेरी माँ ने एक नामालूम बीमारी के कारण दम तोड़ दिया था, मैं वहां की मिट्टी से हर बीमारी का अभिशाप मिटा दूं, वहाँ के लोगों के दुख सुख में साथ रहूं। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ राजेश, और मैं चाहूंगी कि तुम गांव जरूर जाओ। मुझे माफ कर देना नुपुर, मैं तुम्हारा साथ न दे सका, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा न कर सका। मुझे पता था कभी न कभी ये जरूर होगा। मुझे माफ कर दो नुपुर, मुझे जाना होगा बहुत जल्दी। मुझे अफसोस है, मैंने गलत इंसान से प्यार किया। ऐसा मत सोचो नुपुर। क्यों ना सोचूं? कि तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ या नहीं, तुम्हारा साथ दे पाऊंगी या नहीं? वहाँ गांव में रहना तुम्हारे बस की बात नहीं है नुपुर। नुपुर गांव में शहर जैसी जिंदगी नहीं होती। राजेश, हिंदुस्तान का हर छोटा बड़ा शख्स गांव से ही जुड़ा होता है, उसके पूर्वज किसी न किसी गाँव के ही है। क्या शहर में रहकर हम ये बात भूल जाए? क्या गाँव के लिए करना सिर्फ उनका हक है
जिनके माँ बाप आज भी गांव में रह रहे हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन तुमने सोचा तो ऐसा ही था ना? फिर भी सोच लो। मैं अभी रिजाइन करने जा रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या इस काम के काबिल हूँ तो तुम मुझे मेरे रूम से बुलवा लेना। नुपुर रुको तो सही, मैं आ रहा हूँ पिताजी। रौबदार और कड़वा सच है, कर्नल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है, शिक्षा का संचार, शिक्षा का संचार, शिक्षा का संचार, गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार, गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार, रे भैया कर्नल का ये कमाल, रे बबुआ कर्नल का ये कमाल, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का।